कमला सुन, मुझे कहा हो, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए भगवान सूर्यदेव, मुझे केवल और केवल अपना कमला सुर चाहिए। एक तड़प तो ही माँ को उसके पुत्र से मिलवा दे। कहा हो तुम पुत्र कमला सुर, कहा हो? तुम्हारी माता तुम्हें पुकार रही है, कमला सुर, पुत्र कमला सुर। पुत्र कमलासुर, तुझे तेरे मृत पिता दैत्यराज सिंधु की सौगंध हर शाप ताप और पाप दोष को भूलकर एक तड़पती हुई माँ के पास चला। पुत्र पुत्र कमलासुर, अपनी तड़पती हुई माँ के पास चला। पुत्र कमलासुर, चला अपनी माँ के मेरी पास। माँ, मुझे जन्म देने वाली माँ, कहाँ हो तुम? माँ, अब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जय जय श्री मां गणेश। शिव भक्तियों कर्तव्य निभाने वाले सिंधु पुत्र कमलासुर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माता वेहुंगा तुमसे मिलते ही मृत्यु के मुंह में पहुंच जाएगी, इसलिए उसे ढूंढने का प्रयास ना करो। नहीं, कदापि नहीं। मेरी माँ की ममता मुझे अपनी ओर खींच रही है। यदि मेरे और माता के मिलन के बीच मृत्यु का योग भी है, तो मैं नियति को बदल दूंगा, विधि के विधान को बदल दूंगा। जय जय श्री मां गणेश। नियति को बदलना शिव कृपा के बिना असंभव है कमलासुर, इसलिए तुम शिव आराधना करो। सच्चे मन से अपने भगवान शिव का आदेश मानकर उनकी आराधना करो। मुझे शिव भक्ति का परामर्श देने वाले दुष्ट शत्रु, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोडूंगा। जय जय श्री मां गणेश। मैं तुम्हारा सच्चा हित चिंतक हूँ, मेरी बात न मानकर तुम अपनी भयानक दुर्गति करवाओगे कमलासुर। जय जय श्री मां गणेश। माँ, माता विहंगा, हर संबंध से बड़ा होता है माँ का संबंध, ये आप क्यों भूल जाते हैं दैत्य गुरु, कि मैं कमलासुर की माँ हूँ। उसको जन्म देने के बाद मैंने एक बार भी अपने पुत्र को नहीं देखा। ना देखने में ही तुम्हारी भलाई है। मुझे भलाई की शिक्षा देने वाले दैत्य गुरु, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? कौन सा प्रश्न? सच सच बताएं दैत्य गुरु, आप दैत्य गुरु हैं या दैत्य शत्रु? विहंगा, सच का आघात तीखा होता है। यदि आप दैत्य गुरु हैं, तो आपने मेरे भविष्य को जानते हुए पुत्र मिलन के लिए मुझे सूर्य आराधना का परामर्श क्यों दिया था? उत्तर दें दैत्य गुरु, उत्तर दें। आप चुप क्यों हैं? ये प्रश्न आपसे सिंधु दैत्य की पत्नी विहंगा नहीं, कमलासुर की माता पूछ रही है। क्या सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे भ्रमित करने के लिए सूर्य आराधना का परामर्श दिया था? यह सच है कि शिव कृपा से मैं तुम्हारे भविष्य को भली भांति जानता था, परंतु तुम्हारे पुत्र मिलन की तड़प को देखकर तुम्हें सच बताने का साहस नहीं जुटा पाया। मुझे विश्वास था कि सूर्यदेव तुम्हें समझाने में सफल रहे होंगे। धिक्कार है आपकी बुद्धि पर। एक माता के लिए पुत्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपने दैत्य शत्रु की भूमिका ही निभाई है दैत्य गुरु। एक माता की कोमल भावना को अपने कठोर पैरों से रोंद डाला है आपने। मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। नहीं नहीं विहंगा, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। तुम भी तुम्हारे पुत्र कमलासुर के समान मुझे अपमानित कर रही हो। कमलासुर तो मुझे अपमानित करके पद भ्रष्ट हो गया है, न जाने वो शिव कोप के कारण जीवित भी बचा है अथवा। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, ऐसे अशुभ बात अपने मुंह से नहीं निकाले।
मैं अपने पुत्र से एक बार मिलने के लिए तड़प रही हूँ। कहते गुरु, क्रोध और प्रतिशोध माता की ममता से अधिक नहीं हो सकते। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे पुत्र की कुशलता का समाचार सुना दें। इस अभागर माँ को उसके पुत्र की कुशलता का समाचार दे देते गुरु। अपनी दिव्य शक्ति से देखिए कि इस समय मेरा कमलासुर कहाँ है। ठीक है भैया, जन्म देने वाली माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ अब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। व्यंगा, दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर बहुत दयालु हैं। शिव निंदा और दुष्टता करने पर भी उन्होंने तुम्हारे पुत्र कमलासुर पर दया की है और उसे जीवित छोड़ दिया। दैत्य गुरु, आपको अपशब्द कहना मेरी भूल थी। आप दैत्य जाति के सच्चे हित चिंतक हैं। इस अभागर माँ को कृपा करके पुत्र मिलन का उपाय बता दे। शिव कृपा असंभव को भी संभव कर देती है व्यंगा। अपने पुत्र कमलासुर से मिलने के लिए तुम्हें सच्चे मन से तब तक शिव आराधना करनी होगी जब तक शिव इच्छा से तुम्हारी नियति के पृष्ठों पर लिखे दुर्भाग्य के काले अक्षरों की भाषा सौभाग्य में नहीं बदल जाती। जो आज्ञा दैत्य गुरु। अपने पुत्र को पाने के लिए मैं अपना सब कुछ शिव चरणों में समर्पित कर दूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक ओर सिंधु दैत्य की पत्नी विहंगा ने अपने पुत्र को पाने के लिए शिव चरणों का आश्रय लिया, तो दूसरी ओर परम गणेश भक्त वृद्धा देव की बुआ ने अपने पुत्र समान भतीजों दीनू और वीनू को फिर से पाने के लिए श्री गणेश चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। नित्य के समान आज भी देव की बुआ श्री गणेश से प्रार्थना कर रही है। हे विघ्नों का अंत करने वाले श्री गणेश, मैंने जीवन भर सच्चे मन से आपकी पूजा और आराधना की है, फिर आप ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? भाई भाभी की अकाल मृत्यु के बाद मैंने उनके दोनों जुड़वा पुत्रों का अपने सगे पुत्रों से बढ़कर लालन पालन किया, माँ का स्नेह दिया, परंतु आज दोनों ही मुझसे दूर हैं। मैं उनसे मिलने को तड़प रही हूँ प्रभु, मुझ पर कृपा करें श्री गणेश। वीनू और दीनू को मुझसे मिलवा दें, मुझ पर कृपा करें प्रभु। दया करें हैं दया निधान, कृपा करें हैं कृपा निधान। इस अभागन की झोली में अपनी कृपा डाल दे मंगल मूर्ति। सबका मंगल करने वाले मेरा भी मंगल करें प्रभु। देव की बुआ, ओ देव की बुआ, देव की बुआ, आज पुत्रों जैसे भतीजों के कारण ही सारा गांव तुम्हें बुआ पुकारता। श्री गणेश परम दयालु हैं, ये अपने भक्तों का दुख अधिक समय तक नहीं देख सकते। इनकी कृपा से तुम्हारे वीनू और दीनू अवश्य मिलेंगे। थोड़ा धीरज रखो। कब तक धीरज रखूं पुजारी जी? 21 वर्ष बीत गए हैं तीनों से बिछड़े हुए, और वीनू तो न जाने मेरे किन पापों के कारण नास्तिक बन गया है। उसे लड़ झगड़ कर कहीं चला गया है, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? देव की बुआ, गणेश कृपा पर विश्वास रखो। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गणेश महाराज तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। भगवान को अपने भक्तों के आंसू नहीं, उनका धैर्य और धीरज प्रिय है। पुजारी जी, आप कहते हैं तो मैं आपको वचन देती हूँ कि सब कुछ देखने वाली आंखों के पथराने तक मैं पूरे धैर्य और धीरज के साथ
अपने वीनू और दीनू की प्रतीक्षा करती रहूंगी। देवकी बुआ, इस प्रतीक्षा के समय में एक क्षण के लिए भी सुख करता दुख हरता मंगल मूर्ति गणेश को मत भूल। इन्हें भूलने से पहले तो मैं मर जाना पसंद करूंगी पुजारी जी। जय मंगल मूर्ति श्री गणेश, जय गौरी पुत्र श्री गणेश। भक्तराज दया सुर प्रकट हो। जय जय श्री मां गणेश। आज्ञा मंगल मूर्ति। यदि हमसे आज्ञा पाने की इच्छा होती तो बिना बुलाए ही प्रकट हो जाते, हमारे आदेश की प्रतीक्षा न करते दयासुर। कमलासुर को समझाने का तुम्हारा प्रयास विफल रहा, जबकि उसकी माता शुक्राचार्य के परामर्श से शिव आराधना को समर्पित हो चुकी है। मैं यही सोचकर चकित हो रहा हूँ प्रभु कि क्या शिव कृपा से माता पुत्र का मिलन संभव होगा, और यदि मिलन होगा तो क्या विहंगा जीवित बच पाएगी? नहीं, कदापि नहीं। ऐसी स्थिति में तुम्हें एक शिव आराधिका की रक्षा करने के लिए कमलासुर को विहंगा से दूर रखना होगा। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। दयासुर, हमारी सच्ची भक्ति करने वाली देवकी की तुम हर प्रकार से सहायता करो। किसी भी विघ्न बाधा से उसकी भक्ति पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। हम माँ की कृपा से देवकी बुआ की सहायता के साथ साथ कमलासुर को रोकने का निश्चित उपाय करेंगे। प्रणाम प्रभु। जय जय श्री मां गणेश। माँ, मुझे जन्म देने वाली माँ, तुम कहाँ हो? माँ, तुम कहाँ हो? तुम्हारी पुकार मेरे कानों में बार बार गूंज रही है। माँ, मैं अधिक समय तक तुमसे दूर नहीं रह सकता। कितना अभाग्यशाली हूं मैं कि मैंने कभी तुम्हें देखा भी नहीं। माँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हारे आंचल में अपना सर छुपाना चाहता हूं। माँ, तुम कहां हो? माँ, तुम कहां हो? मेरी पुकार का उत्तर दो। माँ, माँ, संसार की सभी शुभ शक्तियां सुने, यदि मुझे मेरी माँ नहीं मिली तो मैं अपने क्रोध के बवंडर से संपूर्ण सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। किसी को किसी से मिलने नहीं दूंगा। माँ, अब भूल जाइए देवकी माँ जी को, वे हमें कभी नहीं मिलेंगे। हम कब तक भटकते रहेंगे उनकी खोज में? अब तो उनकी खोज भी असफल हुई। माँ, पुत्री विजया, असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का काम मन से नहीं किया गया। श्री गणेश जी की कृपा पर विश्वास रखो पुत्री। नीले आकाश के ऊपर रहने वाले गणेश जी अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं होने देते। मेरी मां न मिली तो मैं नीले आकाश को चीर के रख दूंगा, इस पृथ्वी को निचोड़ डालूंगा, चारों ओर मृत्यु का महातांडव होगा। महातांडव, रक्त की नदियां बहेंगी और हाहाकार के भयानक स्वर से संसार की सभी शुभ शक्तियां कांप उठेंगी। जय जय श्री मां गणेश। किस मूर्ख ने तुम्हारा नाम कमलासुर रख दिया? तुम तो महामूर्ख से भी अधिक मूर्ख हो, मूर्ख सम्राट हो। आज से हम तुम्हें मूर्खासुर पुकारेंगे। दुष्ट, क्या अंतशंड बक रहा है तू? जय जय श्री मां गणेश। मैं बक नहीं रहा, सत्य कह रहा हूँ मूर्खासुर।
एक बार कहने से और बार बार समझाने से तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि तुझसे मिलते ही तेरी माता यमलोक पहुंच जाएगी मूर्खासुर? नहीं, माता और पुत्र का मिलन कभी अशुभ नहीं हो सकता, कभी अशुभ नहीं हो सकता। उस समय तू मेरे प्रहार से बचकर भाग निकला था, किंतु आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। जय जय श्री मां गणेश, मैं भागूंगा भी नहीं, क्योंकि तू जैसे महामूर्खों को मार्ग दिखाना मुझे भली भांति आता है। जय जय श्री मां गणेश। मैं तुझे मारना नहीं चाहता मूर्खासुर, मैं तो केवल श्री गणेश की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। भूल जा अपनी माता को। नहीं, दुष्ट दयासुर, असुर जाति के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है तू, बहुत बड़ा। तू और तेरा गणेश मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तेरे गणेश ने मेरे महान पिता सिंध दैत्य का वध किया था, और तेरे उसी गणेश ने मुझे कैलाश से उठाकर पर्वत की गुफा में फेंक दिया था। तेरी बुद्धि को ठिकाने लगाने के सिवा मैंने आज तक कुछ नहीं किया, परंतु आज करूंगा। मैं तुझे उठाकर ऐसी जगह फेंकूंगा जहाँ गिरकर तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। जय जय शिवा गणेश। अगर तो कहती है तो मैं देवकी की खोज अधूरी छोड़कर वापस लौट चलती हूँ, जैसी गणेश महाराज की इच्छा। ये तो राक्षस है, राक्षस है, भागो, हम दोनों को उठाने जाएगा, भागो पुत्री, भागो। अरे क्या है, क्या है, कौन हो तुम दोनों, और इतनी घबराई हो क्यों? वो राक्षस हम दोनों को उठा लेना चाहता है। राक्षस? अरे इस गांव में तो मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गणेश महाराज विराजमान है, यहाँ राक्षस नहीं आ सकता। जरूर तुम दोनों को भ्रम हुआ होगा। देवकी, 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 तुम, मेरी सखी देवकी, तुम यहाँ? पिछले कितने सालों से हम यहाँ से वहाँ भटकते फिर रहे हैं, आज गणेश महाराज की कृपा से तुम। देवकी, मेरी सखी केतकी, 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 मेरी सखी केतकी। देवकी माँ जी, वो हमारे पीछे यहाँ तक तो नहीं आएगा ना? कौन, किसकी बात कर रही हो तुम? क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? आपको, आपको ढूंढते हुए हम जब हम गांव में गणेश जी के मंदिर पहुँचे तो अचानक आसमान से एक भयानक सा राक्षस जमीन पर चीखते चिल्लाते हम दोनों पर आ गिरा, और वो हम दोनों को मारना चाहता था, इसीलिए हम। राक्षस, क्या वो अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा है? अभी तो वो मंदिर में बेसुध पड़ा हुआ है। बेसुध पड़ा है, तब तो जल्दी ही उसकी सुध वापस आ जाएगी, और वो सारे गांव पर उपद्रव। नहीं नहीं, वो तो गणेश जी के मंदिर में गिरा है, और गणेश जी अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे। देवकी बहन, तुम्हारे ही समान मेरे पुत्री विजय को भी गणेश महाराज की कृपा पर बहुत विश्वास है। विजया, विजया, इतनी बड़ी हो गई तू? अरे इतनी सी थी जब मैंने तुझे देखा था। आ पुत्री, आ मेरे हृदय से लग जा, आ पुत्री, आ विजया, विजया, विजया।
पुत्री विजया। देवकी बहन, दिनों वीनों कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। उजा भागन की कहानी बहुत लंबी है केतकी, समय के साथ तुम सब समझ जाओगी। परंतु बस इतना समझ लो कि मुझे भागन को अकेला छोड़कर दीनू और वीनू न जाने कहां चले गए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गणेश जी की कृपा उन्हें जरूर वापस लेकर आएगी। अब और अधिक प्रश्न मत करो, रात बहुत हो चुकी है। जय जय शिवा गणेश, जय जय शिवा गणेश। प्रणाम नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारी जय जयकार करूंगा। जानते हो ना क्यों? क्योंकि प्रणाम तो उसे किया जाता है जो आदर के योग्य हो, जय जयकार तो उसकी होती है जो न्यायवान हो। तुम तो अन्यायी हो, अन्यायी, निष्ठुर हो तुम। अरे अपने भक्तों को घोर कष्ट और दुख देकर परीक्षा का बहाना बनाते हो तुम। मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा। ये लोग तुम्हें सुखकर्ता कहते हैं, मैं तुम्हें दुख करता कहना ही पसंद करूंगा। मैंने जन्म से लेकर आज तक कितने दुख दिए हैं तुमने मुझे। जन्म होते ही मेरे माता पिता को तुमने अपने पास बुला लिया। मेरा जुड़वा भाई दीनू को कोई उठाकर ले गया और तुम इसी मंदिर में बैठे बैठे मेरे कष्टों का तमाशा देखते रहे। तुम घर घर की सेवा और चाकरी करके देव की बुआ ने मुझे पाला, मेरा लालन पालन किया उन्होंने, तब भी तुम्हें दया नहीं आई? तब भी? और आती भी कैसे? पत्थर में जीवन नहीं होता। अरे तुम होगे तब तो दया करोगे। केवल पत्थर हो तुम, केवल पत्थर। ये जो लोग हैं ये मुझे नास्तिक कहते हैं, नास्तिक कहते रहे, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, कहते रहे, उनके जो मन में आए कहते रहे वो। अरे जो आस्तिक है वो भी तुमसे क्या पाते हैं? मेरी देव की बुआ तो तुम्हारी परम भक्त है ना, फिर क्यों दिया उनको इतने कष्ट, क्यों ढकेल दिया उनको दुख के भयानक दलदल में तुमने?
देख लेना एक दिन हर एक मनुष्य को विश्वास हो जाएगा कि तुम केवल एक पत्थर हो, केवल पत्थर। तुम्हारी भक्ति एक भ्रम है, तुम्हारा नाम एक छल है, छल। तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण ये गांव वाले मुझे बार बार इस गांव से बाहर निकाल देने की धमकी देते हैं, परंतु ना मैं तुमसे डरता हूं और ना ही इन गांव वालों की धमकी से। अरे जब तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी क्या कर पाओगे, तुम क्या कर पाओगे बुरा तुम। भगवान कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो तुम और इतनी रात में इस गणेश 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 मंदिर में क्या कर रहे तुम? तुम गणेश जी के रोष से तो प्रकट नहीं हुए, कहीं तुम मुझे दंडित तो नहीं कर? नहीं, मैं तुम्हें दंडित करने नहीं आया। सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह इस गणेश का शत्रु हूं, क्योंकि इसने मेरे पिता की निर्ममता से हत्या कर दी थी। यदि तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों मिलकर इससे प्रतिशोध ले सकेंगे। तुम मुझे कोई साधारण मनुष्य दिखाई नहीं पड़ते। देखो देखो सच सच बताओ कि कौन हो तुम? मित्र, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, मैं भी तुम्हारा मित्र हूं। मित्र? और मुझसे भयभीत होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। साथ? मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। कष्ट दूर? मुझसे भयभीत मत हो मित्र, आओ आओ मेरे साथ आओ। जय श्री महागणेश। जय श्री महागणेश। प्रभु आपकी ये लीला देखकर तो मेरी बुद्धि ही चकरा गई है। न जाने इन दो गणेश शत्रुओं के मिलन का क्या परिणाम होगा। हे प्रभु, इस संसार की रक्षा करना मंगल मूर्ति रक्षा करना। जय श्री महागणेश। प्रणाम। शिवाय। महादेव, आपको मेरे सम्मान परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल गया होगा। मैं यहाँ आपसे और गौरी पुत्र से यही जानने के लिए आया हूँ कि मुझे माता अदिति को बताकर विदा लेनी चाहिए अथवा बिना बताए। देव आदिदेव, एक बार पहले भी मैं माता अदिति को पुत्र वियोग में दुखी होते देख चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि माता को मेरे कारण दुख हो। माता अदिति को हर प्रकार से
मुझे स्नेह प्रदान करके मेरे अभाव से दुखी नहीं होने देंगे, इसीलिए आप मुझे परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें भी महाज्योति में विलीन हो जाना चाहिए। परंतु आपकी आज्ञा और गौरी पुत्र का परामर्श पाए बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। श्री महागणेश के अवतारों को श्री महागणेश की लीला देखकर चकित होना शोभा नहीं देता। गौरी पुत्र, मयूरेश्वर, तुम दोनों को जो कुछ भी कहना है वो महोत्कट के समान हमारे समीप आकर कहो। तुम तीनों श्री महागणेश के अवतार हो, इसीलिए श्री महागणेश की इच्छा और लीला का ज्ञान तुम्हें अवश्य होगा। महोत्कट की बात भी तुम दोनों ने अवश्य सुनी है, इसलिए कोई भी निर्णय करने से पहले हम तुम्हारे विचार जानना चाहते हैं। परामर्श देने में तुम दोनों इतना समय क्यों लगा रहे हो? हमारा विचार जानने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सच तो ये है पिताश्री कि ये महोत्कट की महानता है, पर हम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत पाकर भी ये हमारे परामर्श और आपकी आज्ञा के बिना परम देव श्री महागणेश की ओर प्रस्थान नहीं करना चाहते, परंतु इनका जाना अनिवार्य है, इसीलिए मैं मयूरेश्वर इनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं माता अदिति को इनके वियोग का दुख नहीं होने दूंगा, परंतु कहते कहते रुक क्यों गए मयूरेश्वर तुम? महादेव, माता अदिति मेरे होते हुए भी महोत्कट को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती, इनके ही वियोग में आंसू बहाती रहती है, यही मेरी चिंता का कारण है। गणपति की बुद्धि और चतुराई सारे संसार में प्रसिद्ध है, अपने विवेक और बुद्धि से तुम्हें इस समस्या का समाधान स्वयं करना होगा। इस समस्या का सबसे सरल उपाय यही है कि मयूरेश्वर महोत्कट बन जाए। ये कैसे संभव होगा? असंभव को संभव करने वाले हम परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। जब हम एक साधारण बालक शिवदत्त का रूप लेकर माता अदिति के समीप गए थे, तब भी वे मुझे कहाँ पहचान पाई थी। सत्य वचन मयूरेश्वर, तुम्हें महोत्कट के रूप में देखकर माता अदिति पुत्र प्रेम के मोह में मग्न हो जाएंगी और महोत्कट की चिंता का अंत भी हो जाएगा। यदि तुम दोनों का यही विचार है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। पिताश्री की सहमति के बिना हम अपने विचार को अंतिम रूप नहीं दे सकते। बुद्धि और चतुराई के नाम पर ये तो माता के साथ छल हुआ, मैं इससे सहमत कैसे हो सकता हूँ? श्री महागणेश के अवतारों को लज्जित और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति, समय और देवी अदिति के महोत्कट प्रेम को देखते हुए कुछ समय के लिए तुम तीनों के विचारों को हम सहमति दे सकते हैं। तुम तीनों ये भलीभांति जानते हो कि सत्य पर पड़ा हुआ असत्य का पर्दा अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता। हम आपका संकेत समझ गए पिताश्री। हमारी योजना माता अदिति के हृदय को कष्ट पहुँचाए उससे पहले ही हम उन्हें सत्य बता देंगे। क्यों मयूरेश्वर, यही उचित होगा। गौरी पुत्र, महादेव आप मुझे आज्ञा दें। तुम्हारे कर्तव्यों का निर्णय हो चुका है मयूरेश्वर, अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करते हुए अपने अवतार को सार्थक करो, तुम्हारा कल्याण हो। महादेव, माता की चिंता का अंत होने के साथ मेरे इस अवतार के समस्त कार्य पूर्ण हुए, अब मुझे भी आज्ञा दें।